हेलो फ्रेंड्स, सो एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि चीयन अपने अंकल के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होता है और ये इनके साथ अपने सुख दुख भी शेयर करता है। इधर चेंगरू को एक नाइटमेयर आता है जिसमें चीयन ने उसे शूट किया था और वो मर गई है, और तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो घबरा रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग चीयन हंटिंग के लिए जा रहा होता है और वो चेंगरू को भी आने के लिए बुलाता है, तो वो काफी खुश हो जाती है कि चलो पहले से बाहर जाने का ये एक अच्छा चांस है। और वो जैसे ही उठती है उसका सर चकराने लगता है और वो उसी मेडिसिन के बारे में सोचती है जो उसकी आंटी ने उसे दी थी, जिसकी वजह से वो काफी वीक हो रही है। तो वो खुद को किसी तरह संभाल कर बाहर आती है जहाँ यंजी उसका वेट कर रही होती है। तो वो उससे पूछती है, तुम यहाँ क्यों हो? तो वो कहती है, मुझे मैजेस्टी ने तुम्हारा वेट करने के लिए कहा था। वेल, यंजी उस पर हंसकर कहती है, तुम एक सोर्ड होल्डर हो, क्या तुम हंटिंग कर पाओगी? तो चेंगरू कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं जरूर करूंगी। क्या तुम्हें मुझ पर डाउट है? क्या तुम मुझसे कॉम्पिटिशन करना चाहती हो? तो यंजी कहती है, कैसा कॉम्पिटिशन? तो चेंगरू कहती है, अगर मैं हारी तो जो तुम चाहोगी वही मैं करूंगी, और अगर मैं जीती तो तुम्हें मेरा कहा करना होगा। तो यंजी कहती है, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। तो आगे वो लोग फॉरेस्ट में आ जाते हैं और चीयन को भी अपने इस चैलेंज के बारे में बताते हैं। तो यहाँ चेंगरू कहती है कि अगर मैं जीती तो यंजी मैजेस्टी की साइट से हमेशा के लिए डिसअपीयर हो जाएगी। तो चीयन कहता है, ठीक है, तुमने इस हंटिंग को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया। तो आगे दोनों हंटिंग स्टार्ट करते हैं। वेल, शाम होने तक चेंगरू अपने शिकार को लेकर आती है, लेकिन वो देखती है कि यंजी तो बैठे बैठे ही अपनी आर्मी से हेल्प करवा रही है। तो चेंगरू कहती है, ये चीटिंग है। तो यंजी कहती है, मैं तुम्हें दिखाना चाह रही थी कि तुम देखो अकेले तुम मुझसे नहीं जीत सकती। और तभी वहाँ चीयन आ जाता है और उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाता है, जहाँ चेंगरू चीयन की आंखों में देखने लग जाती है। तो चीयन उसे शूट करना सिखा रहा होता है और उसके काफी क्लोज भी आ जाता है, और यहाँ इन दोनों के बीच एक क्यूट सा सीन देखने को मिलता है। वेल, चेंगरू यंजी से कहती है, तो अब तुम ये गेम हार चुकी हो, तो अब तुम्हें जाना होगा। और तभी पीछे से उसकी एक गाड़ी आती है जिसमें खूब सारे फॉक्स होते हैं। तो यंजी कहती है, देख लो तुम हारी हो मुझसे। तो चेंगरू चीयन से कहती है, इसने फिर चीटिंग की। तो यंजी कहती है, तुम्हारी वेट के अकॉर्डिंग तुम हारी हो। तो चेंगरू अपनी हार मानकर वहां से जाने लगती है। तो यंजी कहती है, रुक जाओ, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चैलेंज तो तुमने किया था, मैंने नहीं। आगे चेंगरू अपनी आंटी से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे आर्ट सिखा दीजिए, आई प्रॉमिस कि मैं दोबारा नहीं हारूंगी। तो वो मान जाती हैं। इधर चीयन यंजी की क्लास लेता है और उसे सुनाता है कि तुम आखिर क्या चाहती हो। कल तुमने मुझे पॉइजनिंग ड्रिंक पिलाना चाहा और आज तुमने मेरी सोर्ड होल्डर से डील की, उसे भेजना चाहा और फिर उसे रोक लिया। तो यंजी भी किसी तरह अपनी सफाई देकर वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि दो लेडी यंजी के बारे में बात कर रही होती हैं और कहती हैं कि यंजी इस फैमिली की रियल डॉटर नहीं है, बल्कि उसे अडॉप्ट किया गया था और वो कोई आम परिवार की लड़की नहीं है। उसकी मार्शल आर्ट काफी अच्छी है और वो काफी इंटेलिजेंट और टैलेंटेड है, और उसे एक बीमारी है जिस वजह से वो कुंगफू नहीं कर सकती। वेल, वो लेडीज उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने का डिसाइड करती हैं। आगे चीयन अपनी ग्रैंड माँ से मिलने आता है, तो वो उससे कहती हैं, तुम्हारे फादर पॉलिटिक्स में बिजी हैं, इसलिए तुम यहाँ अकेले आई हो? तो वो कहता है, हाँ। वेल, उसकी दादी उससे कहती हैं कि तुम काफी स्मार्ट हो गए हो, लेकिन तुम अपनी काबिलियत कायाकल्प के लिए कब यूज करोगे? क्या बस तुम छोटे से सिंहासन पर ही बैठे रहना चाहते हो? तो वो उनका बिना आंसर दिए ही चला जाता है और उनसे सॉरी भी बोल देता है। आगे चीयन हंटिंग के लिए जा रहा होता है, तभी चेंगरू उससे कहती है, आज आप हंटिंग के लिए फिर जा रही हैं? क्या आप आज भी कोर्ट नहीं जा रही हैं? आपको ऐसे कोर्ट में अब्सेंट नहीं होना चाहिए। तो वो अंकल से कहता है कि अपनी नीस को बात करने का मैनर सिखा दीजिए, और चला जाता है। तो चेंगरू को अपने अंकल की डांट सुननी पड़ती है। वेल, आगे वो सब हंटिंग के लिए फॉरेस्ट आ जाते हैं। तो
तो यहाँ भी चेंगरू उससे कहती है कि क्या आपको यंची ने कोर्ट जाने से रोका है। तो वो उसको आंखें दिखाता है और उससे कहता है, क्या तुम मुझसे शूटिंग सीखना चाहती हो, तो मेरे घोड़े पर आ जाओ। फिर वो उसकी घोड़ी पर चली जाती है। चेंगरू उससे पूछती है कि क्या आप कोर्ट नहीं जा रहे हो, आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हो। तो वो कहता है, मेरा वहाँ कोई काम नहीं है, मैंने मिनिस्टर को डिसअपॉइंट कर दिया था, एटलीस्ट मैं वहाँ नहीं जाऊंगा तो उन्हें मुझसे होप तो होगी। और उसे शूटिंग करना सिखाने लगता है। तो वो शूट कर ही रहा होता है कि तभी किसी का वार उनकी साइट आता है और वो उन्हें लगने ही वाला होता है कि चेंगरू चीयन और खुद को बचा लेती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं और एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं। आगे वो लोग पैलेस वापस आते हैं तो चेंगरू कहती है, हमें वहाँ से ऐसे वापस नहीं आना चाहिए था, हमें वहाँ इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी कि हम पर बार किसने किया था। तो जी एन कहता है, यंजी ने किया था, जब हम उठ रहे थे तो मुझे वहाँ ये एरो मिला था, ये यंजी का है। तो चेंगरू कहती है, पर वो ऐसा क्यों करेगी, क्या वो आपको मारना चाहती है। तो दोनों इसी बात को लेकर डिस्कस करते हैं। इधर यंजी किसी के साथ प्लान बना रही होती है कि हमारा ये प्लान तो खराब हो गया, लेकिन हमें नेक्स्ट ट्रिक अपनानी चाहिए। तो आगे वो ची एन को हैंगेन सिटी चलने को कहती है। तो चेंगरू कहती है, हाँ वहाँ के नूडल्स काफी फेमस हैं, हम वहाँ जाकर वो भी खा सकते हैं। तो ची एन कहता है, क्या नूडल्स। तो वो कहती है, हाँ आई थिंक आपको भी ट्राई करना चाहिए। तो ची एन उसे हाँ बोल देता है। आगे वो लोग हैंगेन सिटी पहुँचते हैं। चेंगरू कहती है, यहाँ के नूडल्स काफी डिलीशियस होते हैं। तो चीयन कहता है, कहाँ मिलेंगे। तो चेंगरू कहती है, हर जगह। तो यंजी कहती है, यहाँ एक ग्रैनी स्टॉल है, वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चेंगरू कहती है, तुम्हें कैसे पता। तो वो कहती है, मेरी एक फ्रेंड यहाँ नूडल्स खाने आती थी। तो चेंगरू कहती है, लेकिन अब उसका स्टॉल का नेम चेंज हो गया है, अब वो ग्रैनी नहीं चाय स्टॉल है। तो चीयन पूछता है, क्यों। तो वो कहती है, क्योंकि काफी टाइम पहले ग्रैनी की डेथ हो गई थी, तो अब उसे मिसेस चाय चला रही हैं। वेल वो चाय स्टॉल पहुंचते हैं तो यहाँ यंजी अपने आर्मी को बाहर ही वेट करने के लिए कहती है। आगे चेंगरू नूडल्स लेकर आती है और ची एन से कहती है, इसे ट्राई करो। तो वो ट्राई करता ही नहीं है। तो चेंगरू कहती है, तुम उसे ट्राई क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, मैं चेक करके बताती हूँ कि ये बिल्कुल प्योर है, इसमें कोई पॉइजन नहीं है, ओके। और उसे खाने को कहती है। तो जब चीयन वो नूडल्स खाता है तो उसे काफी शोर लगते हैं, तो फिर वो खाता नहीं है। चेंगरू यंजी से कहती है, तुम क्यों नहीं खा रही। तो वो कहती है, मैंने भी एक बार खाए थे, ये बहुत शोर होते हैं, तब से मैंने इसे कभी नहीं खाया। तो चेंगरू सोचती है कि क्या ये दोनों इतने वियर्ड हैं, मैं इन्हें यहाँ क्यों लेकर आई। तो जब चीयन उसे अपसेट होते देखता है तो वो नूडल्स फिर से खाने लगता है और ये देखकर चेंगरू काफी इम्प्रेस हो जाती है। दूसरी साइड यंजी के साथी वेट कर रहे होते हैं कि कब चीयन बाहर आए और वो उस पर अटैक करें। और इसी के साथ ये एपिसोड यही फिनिश होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड या डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।